फूड वेब्स पास्ता कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ फूड वेब द ग्रेजिंग फूड वेब द ट्राइटल फूड वेब एंड द ट्रॉफिक इन द फूडेंट फर्स्ट द फूड फूड वेब से आप फेमिलियर हैं बेसिकली फूड वेब जो है इट इज़ द कंप्लैक्स नैटवर्क ऑफ फूड चेंज विद इन द इकोसटम थ्रू विच द एनर्जी इज ट्रेवलिंग फ्राम बॉटम टू द टॉप तो यानी फूड वेब सिंपली क्या है हमारे पास अगर हम इको के अंदर बात करें कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है दूसरे को तीसरा तीसरे को चौथा खा रहा है ये ओवरऑल हमारे पास क्या बन रहा है इट इज़ द फूड चेन इको के अंदर कोई भी फूड चेन आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होती है नॉर्मली डिफरेंट फूड दे आर कोनेक्टेड विद ईच अदर तो वैन इन एन इको सिस्टम दे आर मैनी फूड चेन्स बहुत सारी फूड चेन्स हैं दे आर कोनेक्टेड विद ईच अदर एक दूसरे से कोनेक्टेड हैं सो आई नेटवर्क का फूड चेंज इज़ फॉर्मड तो फूड चेंज का हमारे पास क्या होता है एक नेटवर्क बनता है एंड दिस ओवरऑल नेटवर्क का फूड चेंज इज कॉल्ड द फूड वेब तो इसको एक हम जो वो फूड वेब का जो वो नाम देते हैं तो फूड वेब फूड चेंज की तरह फूड वेब भी जो है दो बेसिक कैटेगरीज का है दन इज ग्रेजिंग फूड चेंज फूड वेब्स एंड द सेकेंड वन इज़ द डेट्राइटल फूड वेब तो ग्रेजिंग फूड वेब्स ग्रेजिंग फूड वेब आर those फूड वेब्स इन विच the स्टार्टिंग पॉइंट they are ग्रीन प्लांट्स यानी कि ऐसे फूड वेब्स हमारे पास जिसमें जो फूड चेन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो ग्रीन प्लांट्स हैं ग्रासेज हैं ऐसे प्लांट्स ऐसे फूड वेब्स को हम क्या नाम देंगे दे आर दी ग्रेजिंग फूड वेब्स हैं अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें इसमें जैसे ग्रासेस हैं ग्रासेस को इंसेक्ट खा रहा है इंसेक्ट को फ्रॉक खा रहा है तो ये एक फूड चेन है फ्रॉक को आगे स्नैक खाएगा दूसरी फूड चेन जो बनेगी ग्रासेस को इंसेक्ट इंसेक्ट को बर्ड्स बर्ड्स को आगे फिर प्रेटर बर्ड खाएगा तो ये हमारे पास दूसरी फूड चेन जो है वो बन जाएगी इसी तरह से सेम वही ग्रासेस हैं उसको डियर खा रहा है डियर को आगे फिर जो है वो लाइन खा रहा है तो ये हमारे पास तीसरी फूड चेन बन जाएगी तो ये तमाम की तमाम फूड चेन स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं ग्रासेस से हो रही हैं तो अब ग्रासेस को स्टार्ट पॉइंट से जो एक फूड वेब बन रहा है हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे इट इज़ द ग्रेजिंग फूड वेब है सेकेंड टाइप ऑफ फूड वेब दे आर दी Detrital food webs. So detrital food webs are those food webs which start with the detritus. That decaying materials. yani detrital food web aise food webs hain jisme jo food chains hongi they are starting from the decaying material. वो decaying material से जहाँ वो start हो रही हैं. अब उसकी example अगर हम देखें कि एक decaying material है, उसको woodlouse जहाँ वो खा रहा है, woodlouse को आगे birds खा रहे हैं, उस bird को आगे predatory bird खा, खा सकता है. ये हमारे पास ओवरऑल क्या एक फूड चेन बनेगी सेकंड फंगस ग्रो कर रही है मशरूम्स ग्रो कर रहे हैं मशरूम्स तो को आगे ह्यूमन यूज कर रहा है दिस इज द सेकेंड फूड चेन इससे डेट्राइटस है डेट्राइटस से मशरूम्स ग्रो कर रही हैं मशरूम्स को डिफरेंट इंसेक्ट्स खा रहे हैं इंसेक्ट्स को आगे से बर्ड्स खा रहे हैं तो ये सर हमारे पास जो वो तीसरी तो ये जो फूड वेब बनेगा जिसकी बेस जो है वो डेटराइटस है ग्रीन प्लांट्स नहीं है दिस टाइप ऑफ फूड वेब्स दे आर कॉल्ड द डेटराइटल फूड वेब्स तो डेटराइटल फूड वेब्स जो होते हैं उसमें आमतौर तो पर डिक मटीरियल के साथ बैक्टीरिया एसोसिएटेड होते हैं या फिर क्या होते हैं फंगस जो है वो एसोसिएट होते हैं तो दिस इज द डायग्राम इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये डायग्राम बेसिकली दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है ये कंबिनेशन है ग्रेजिंग फूड वेब का और इसके अलावा डेट्राइटस फूड वेब का हमारे पास सो so, अगर आप इसमें देखें दीज आर द्रासेस ये ग्रासेस हैं ग्रासेस से है, एक फूड चेन जो है वो काओ और काओ को आगे ह्यूमन यूटिलाइज करेगा दूसरी फूड चेन है ग्रासेस को डियर डियर को आगे ह्यूमन यूटिलाइज करेगा थर्ड फूड चेन है ग्रासेस को ग्रास ऊपर और ग्रास ऊपर के आगे जो है वो एक कार्निबोल यूज़ कर रहा है थर्ड है फोर्थ वन इज़ द ग्रासेस ग्रासेस को माउस यूज़ कर रहे हैं माउस को आगे बर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ठीक है इस तरह से ग्रास ऊपर है उसको स्नैक्स है वो तो ओवरऑल सेम डिफरेंट फूड चेन्स हैं जो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं ग्रासेस स्टार्ट हो रही हैं अब ये जो नेटवर्क का फूड चेन्स है जो ग्रासिस से स्टार्ट हो रहा है दिस इज कॉल्ड द ग्रेजिंग फूड वेब जिसको हम ग्रेजिंग फूड वेब का नाम देंगे अब हम आते हैं दूसरे फूड वेब की तरफ दैट इज़ द डेटराइटल फूड वेब डेटराइटल फूड वेब जो वो डिकेइंग मटेरियल से स्टार्ट होता है डेटराइट से स्टार्ट होता है अगर हम इसमें देखें इसमें फर्स्ट वन डेटाइटस फूड वर्ब उसको अर्थवम खा रहा है अर्थवम को आगे बर्ड जो है वो स्प्रे कर रहा है तो ये एक फूड चेन है सेकेंड वन डेटाइटस है इसको बग्स खा रही हैं बग्स को आगे स्नेक खा रहा है ये सेकेंड फूड चेन बनेगी थर्ड डेटाइटस है उसको मशरूम्स और मशरूम को आगे ह्यूमन खा रहा है तो दिस इज द थर्ड अब ये जो फूड चेन्स जो डेटाइटस से स्टार्ट हो रही है आर आल्सो मेकिंग अ वेब एंड दिस वेब इज़ कॉल द डेट्राइटल फूड वेब तो ये हमारे पास एक डेट्राइटल फूड वेब जो है वो बनेगा अब इको सिस्टम के अंदर आमतौर पर दोनों फूड वेब साथ बाय साथ होते साइड बाई साइड चलते हैं कि इको सिस्टम के अंदर ग्रासेज डिकेंग मटेरियल के साथ भी फूड चेंज बहुत सारी चल रही होती हैं और बहुत सारी फूड चेंज होती हैं वो ग्रासेज के साथ हैं तो किसका मतलब ये हो गया इको सिस्टम के अंदर ग्रेजिंग एंड डेटराइटल फूड वेब दोनों जो होते हैं वो वो साइड बाई साइड चल रहे होते हैं यानी दोनों इकट्ठे ही चल रहे थे तो ये नहीं हो सकता हम कहें कि एक इको सिस्टम के अंदर सिर्फ ग्रासेज मौजूद हैं ग्रेजिंग फूड वेब है उसके अंदर डेट्राटिस फूड वेब नहीं हो क्योंकि जहाँ भी लिविंग मटेरियल होगा वहाँ डिकेंग जरूर होगी और जहाँ डिकेंग होगी वहाँ अल्टीमेटली डेट्राटिस फूड वेब जो उसने चलना ही चलना है तो अब फूड वेब्स को अगर हम देखते हैं तो फूड वेब्स के अंदर जो एनर्जी फूड चेन फूड वेब बेसिकली दे रिप्रेजेंट द हाउ एनर्जी इज ट्रैवलिंग इन द इकोसिस्टम अब फूड चेन्स दे आर वेरी कम्पलेक्स तो फूड चेंस को स्टडी करने का एक ईजी मेथड साइंटिस्ट ने जो ढूंढा है वो ये है कि बजाय इसके क्या हम हर एनिमल को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करें इट इज़ बेटर टू डिज़ाइन डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रॉफिक ट्रॉफिक लेवल यानी कि फूड हासिल करने के डिफरेंट लेवल्स बना लिए जाते हैं तो इस तरह से इको के अंदर जो फूड वेब्स हैं फूड चेंज हैं उसमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं दे आर डेजिग्नेटेड एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स जैसे आल प्लांट्स जितने भी प्लांट्स होंगे दे विल आल प्रेजेंट एट दी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रेजिंग फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो हो किसका होगा प्लांट्स का होगा इससे डेट्रेटस फूड चेन है तो जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वो डिक मटेरियल जो होता है वो उसको आगे यूटिलाइज करना है बैक्टीरिया वगैरह ना वो उसका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वो बनेगा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल वो है जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को खाएगा जैसे ग्रासेस को अगर एनिमल खा रहे हैं हर्बी वोर्स खा रहे हैं दे आर मेकिंग द सेकंड ट्रॉफिक लेवल और हरबी बोर्ड को अगर कार्निवोर्स खा रहे हैं दे आर मेकिंग द थर्ड ट्रॉफिक लेवल सो इससे एनर्जी फ्लो को और मटेरियल फ्लो को स्टडी करने का आसान तरीका जो है वो यह है कि हम उसको बजाय इसके कि इंडिविजुअल एनिमल को स्टडी करें इट इज़ बेटर टू स्टडी द ट्रॉफिक लेवल्स इन द इकोसिस्टम